से बड़ खबर आरंभ करिबा बुलेटिन मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यकाल वृद्धि पाई 6 मास पर्यंत कार्यकाल बढ़ाई राज्य सरकार पूर्व जून 30 तारीख जाए क्षमा करेंगे पूर्व डिसेंबर 31 तारीख में कार्यकाल सरुला किंतु वर्तमान 6 मास अवधि बढ़ापर वर्तमान प्रदीप जेना जून 30 तारीख पर्यंत राज्यर मुख्य शासन सचिव दायित्व रहिबे अर्थात एथिरु बुझा पड़ुछि कि मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्य दक्षता व कार्यशैली राज्य सरकार संतुष्ट अच्छा पुनर्बार राज्यर दायित्व आउ 6 मास दि जाएगी कारण डिसेंबर 31 तारीख दिन प्रदीप जेना कार्यकाल सरुला किंतु ए कार्यकाल को आहरी 6 मास वृद्धि करिछंती सरकार एणिकि जून 30 पर्यंत मुख्य शासन सचिव भाव में दायित्व रहिबे प्रदीप जेना एवं एक कथा राज्य पाई मध्य नुआ नुहे कारण आम अतीत देखीचे जितेबाड़ प्रदीप्त महापात्र मुख्य शासन सचिव थिले से समय रे मध्य राज्य सरकार कार्यकाल बढ़ाई थिले एवं पुनर्बार प्रदीप जेना क्षेत्र में मध्य एहा लागू होईछि अजेश मल्लिक आम सीनियर करेस्पोंडेंट रहउछन्ती ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई अजेश पुणी 6 मास सुजोग दिया जाइछि अर्थात राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव कार्यशैली कार्य दक्षतार मध्य संतुष्ट अछंती ए कथा बुझा पड़ुछि क्षमा करेंगे मुझे अजेश सहित जोजोग हो पारे मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यकाल वृद्धि पाई ए संपर्क में आम अजेश विस्तृत भाव में सूचना ना और ता सहित अपडेट आम आपको देवु बास्तव में कहीं राज्य सरकार एभली एक निष्पत्ति नहीं 6 मास कार्यकाल बढ़ावा पचर राज्य सरकार लक्ष्य कौन हो पाए और जदि 6 मास अतिरिक्त भाव में मुख्य शासन सचिव दायित्व में रुंती प्रदीप जेना तो राज्यर विकास को केत दूर त्वरावित करेंगे केत आग को नहीं पारे तापर समस्त नजर पुणि थे कही रखु डिसेंबर 31 तारीख से सरुला राज्यर मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यकाल किंतु राज्य सरकार आहरी 6 मास कार्यकाल को बढ़ाई अर्थात जून 30 तारीख पर्यंत मुख्य शासन सचिव भाव में दायित्व में रहिबे प्रदीप जेना अजेश मल्लिक आम सीनियर करेस्पोंडेंट पुणि थे आम सहित जोड़ी अजेश अपडेट कौन अच्छी बुझा पड़ो मुख्य शासन सचिव कार्यशैली कार्य पद्धति में राज्य सरकार संपूर्ण भाव में संतुष्ट अच्छा निश्चित देखु डिसेंबर 31 तारीख में मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यकाल सरुला किंतु देखिए तार दुई दिन पूर्व साधारण प्रशासन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई आउ 6 मास कार्यकाल वृद्धि करगत किसी दिन हम गोटे चर्चा होता राज्यर प्रशासनिक मुखिया किए हे अनेक रेस अनुगर ना को नहीं चर्चा होता सत्यव्रत साहू को ना को नहीं चर्चा होता ना एभली प्रदीप जेना कार्यकाल वृद्धि हेब ताको नहीं चर्चा लगी रही किंतु हुए तो आपंती कहते गोटे प्रदीप जेना सरकार पुनर्बार भरोसा करते से मतलब गुडबुक अच्छा कहुई जो सरकार गुडबुक अच्छा प्रदीप जेना कारण आप देखिए पूर्व जो देखिए जो भाई भाव देखिए जो भाई भाव देखिए प्रदीप जेना जो जी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक भाव दायित्व संभाली अन्य गोटे एनर्जी विभाग दायित्व में रही अन्य गुरुत्वपूर्ण विभाग में दायित्व संभाली किंतु फेब्रुआरी 28 तारीख में देखिए 2023 फेब्रुआरी 28 तारीख में जो मुख्य शासन सचिव पदवी खाली होता सुरेश महापात्र सरकार भरोसा करते दक्ष प्रशासक हिसाब से बेस दक्षता रही आप जिलापाल भाव देखिए कटक जिलापाल कथा कहतु से समय देखिए महावात्या मुकबिला करते तेणु आगू जो निर्वाचन रोचे हम तो सरकार कौन रिस्क उठेवा चाहूना भरोसा अच्छी से निकट ना सरकार को कौन से अड़ुआ परिस्थित पकड़ बिल्कुल प्रदीप जेना कार्यशैली दक्षता उपर कौन प्रश्न ना कारण आम अतीत देखीचे राज्य सरकार विभिन्न विभाग दायित्व को से सुचारू रूप से तुलाई सफलता भरोसा कर राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव पदर बसाई समय समय भितर कार्यशैली निश्चय राज्य सरकार को प्रभावित करते कार्यकाल डिसेंबर 31 तारीख से सरुला राज्य सरकार वर्तमान निष्पत्ति नहीं कि मुख्य शासन सचिव कार्यकाल आहरी 6 मास बढ़ अर्थात राज्य में जून 30 तारीख पर्यंत प्रदीप जेना मुख्य शासन सचिव भाव में दायित्व में रहिबे बहुत बहुत धन्यवाद अजेश।